स्वागत है आप सभी का खान कंस्ट्रक्शन में फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रेड ब्रिक्स वर्सेस एसीसी ब्रिक्स। आज जानेंगे कि इन दोनों ब्रिक्स में से कौन सा ब्रिक्स बेस्ट है, एसीसी ब्रिक्स या रेड ब्रिक्स। हालांकि दोनों ब्रिक्स अपने अपने जगह पे बेस्ट है, अपने वर्क के हिसाब से और अपने कॉस्ट के हिसाब से। पर आज हम ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप अपने पर्सनल घर बना रहे हैं या रेंट का घर बना रहे हैं या फ्लैट बना रहे हैं तो आपको कौन सा ब्रिक्स यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं एसीसी ब्रिक्स के बारे में कुछ बातें। ये हो जाता है एसीसी ब्रिक्स और ये हो गया रेड ब्रिक्स। पहले हम जान लेते हैं एसीसी ब्रिक्स के बारे में कुछ बातें। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अगर एसीसी ब्रिक्स की बात करें तो एसीसी का मतलब हो जाता है ऑटो कैट क्लैब एडिटेड कॉन्क्रीट। ये बहुत लाइट वेट होता है और इसे इजीली से हैंडल किया जा सकता है, कहीं भी आराम से लाया और ले जाया जा सकता है। बहुत लाइट वेट होता है, आराम से भी कोई भी इंसान उठा सकता है, एक आदमी बच्चे भी उठा सकता है आराम से, क्योंकि ये बहुत हल्का और लाइट वेट होता है। और अगर इसकी कुछ बातें कर ले, अगर अच्छी चीज बेस्ट थिंग, तो ये बहुत हल्का होता है। प्लस इसमें क्या होता है, अगर आप एसीसी ब्रिक्स आप वर्क करवा रहे तो इसमें लेबर जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम लगता है। क्यों कम लगता है उसके बारे में आज बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो बड़ा बड़ा ब्रिक्स, ये उतना लंबा लंबा होता है, कम से कम ये 2.5 फीट 3 फीट इतना लंबा होता है जैसे। और इसका जो ये नंबर जो जॉइंट जो वो भी कम पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे काम आपका बहुत जल्दी होगा। अगर उसी में बात कर ले कि ये रेड ब्रिक्स की बात करें तो इसमें बहुत छोटा छोटा ब्रिक्स होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होता है और इसमें टाइम भी लगता है। अगर ऐसे ब्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत कम होते हैं और आपका काम भी बहुत तेज़ी से जा सकता है। और इसमें एक फ़ायदा कि अगर आप कटिंग वटिंग करा रहे हैं, जैसे प्लम्बरिंग की, इलेक्ट्रिकल की, कोई चीज़ भी अगर कटिंग करा रहे तो बहुत ईजिली से मशीन से कट हो जाता है आराम से, और पाइप आ भी जा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसी अगर रेड ब्रिक्स की बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें कटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, आराम से कटता भी नहीं और प्लस इसमें क्रैक करने का भी डर रहता है। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि इसमें अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर कौन सा बेस्ट होना चाहिए, विच इज़ बेस्ट, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। अगर आप रेंट का घर बना रहे हैं या फिर आप फ्लैट बना रहे हैं, 3, 4, 5 फ्लोर, आपको 10-15 फ्लोर इतने दूर तक जाना है अगर फ्लैट बना रहे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं इमेज में, ये एक फ्लैट बन रहा है, बहुत ऊंचे तक जाएगा लंबा से फ्लैट व्लैट जो बन रहा है उसमें। और अगर आप अपना फ्लैट व्लैट बना रहे हैं आप, और तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप एसीसी ब्रिक्स का यूज़ करें, क्योंकि एसीसी ब्रिक्स का यूज़ करने से एक फ़ायदा होता है कि आपका जो इसमें से खर्च भी कम लगेगा, अपना जो इसके जो फाउंडेशन में इसका डेड लोड जो है वो कम पड़ेगा। डेड लोड बोल सकते हैं कि अगर ये जितना जो ब्रिक्स का वजन है पूरा वो थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि एसीसी ब्रिक्स जो होता है वो बहुत हल्का होते हैं, बहुत नॉर्मल, बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इसीलिए जो उसका फाउंडेशन पे जो डेड लोड है वो बहुत कम पड़ेगा, ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ सकता है। और रेड ब्रिक्स की बात करें तो रेड ब्रिक्स जो है थोड़ा वजन होता है, तो इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर आप पर्सनल घर में बना रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं रेड ब्रिक्स। अगर आप पर्सनल घर बना रहे हैं तो आपके लिए रेड ब्रिक्स बेस्ट रहेगा, और आप ऐसे ब्रिक्स और अगर आप फ्लैट बना रहे हैं या रेंट रूम पे घर बना रहे हैं तो आप ये वाला ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, एसीसी ब्रिक्स, दोनों ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं आप कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रिक्स को भी आप फ्लैट में यूज़ कर सकते हैं और ये ब्रिक्स को भी आप अपने पर्सनल घर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप अगर पर्सनल घर बना रहे हैं तो रेड ब्रिक्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है वहाँ घर की मजबूती भी अच्छी रहती है और ज़्यादा जल्दी क्रैक भी नहीं करता है,
और ऐसे ब्रिक्स की बात करें तो ऐसे ब्रिक्स में क्या हो जाता है कि अगर इसमें इसमें बहुत अच्छे फ़ायदा भी है ऐसे ब्रिक्स में कि अगर आप बना रहे ऐसे ब्रिक्स में, अगर मान लीजिए घर इसके बाहर आप प्लस्तर करने की, ये बहुत प्लेन होता है एकदम, चिक एकदम प्लेन होता है एकदम मुलायम, अगर इसमें आप अगर चाहे तो बाहर ओनली सिर्फ बाहर प्लस्तर कर दीजिए, अंदर अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अंदर अच्छे से इसकी जॉइंट कवर दीजिए। और इसमें अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पुट्टी पैरिस जो भी आप कराना चाहें तो उसे आप डायरेक्ट करा सकते हैं, प्लस्तर कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट भी कम लगेगा, जहाँ 1400-1600 रुपया लग रहा है वहीं आपको 400 रुपया में ही काम हो जाएगा, क्योंकि प्लस्तर का पैसा भी बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगा, उसी जगह आप पुट्टी भी करा सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा। तो ये एक फ़ायदे है ऐसे ब्रिज के, जो कि सबसे बेस्ट फायदे मुझे लगते हैं कि आपको बाहर ओनली प्लस्तर कर, अंदर आप डायरेक्ट पुट्टी मार सकते हैं अच्छे से जोड़ जोड़ कर जोड़ाई करके और जॉइंट वॉइंट भर के। वहीं अगर रेड ब्रिज की बात किया जाए, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें आपको बाहर भी प्लस्तर मारने होगा, इधर भी प्लस्तर मारने होगा और इधर भी मारने होगा दोनों तरफ, क्योंकि इसके जो जॉइंट्स बहुत ज़्यादा जॉइंट होते हैं सारे सामने सामने होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है रेड ब्रिज की, ये एक फायदे। तो इस सिंपल वे में अगर बोला जाए तो अगर आप अपने पर्सनल घर बना रहे हैं, ज़्यादा फ्लोर नहीं जाने हैं, 2-3 फ्लोर जाना है, तो आप रेड ब्रिज का यूज़ कीजिए, रेड ब्रिज का यूज़ कीजिए, ये बेस्ट रहेगा। और अगर आप फ्लैट बना रहे हैं या किराए के घर देंगे, ज़्यादा आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते कि कम में ही कुछ हो जाए अच्छा, तो आप ऐसे ब्रिज के साथ जा सकते हैं, ये बेस्ट है। इसमें थोड़ा लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा, बस आपके फायदे भी काम भी बच जाएंगे और थोड़ा आराम भी है इसमें, क्योंकि ईंट बड़े बड़े होते हैं 2.5 फीट 3 फीट इतने होते हैं, तो इसमें काम भी आपका जल्दी होगा, जल्दी जल्दी दिखेगा भी और जल्दी जल्दी काम, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अब आपके हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे उसके उसके तरफ जा सकते हैं, दोनों अपने अपने जगह के बेस्ट है, ना ये ना ऐसे ब्रिज खराब है ना ये खराब है, इसी आपको जो बेस्ट लगे उसके तरफ जा सकते हैं।